एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 2 इज हियर। द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ रूम्स आर गिवन एज 5 मीटर 4 मीटर एंड 3 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑफ द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ 7.50 पर मीटर स्केयर। देखिए, आपको एक रूम दे रखा है जिसकी लेंथ दे रखी है 5 मीटर, ओके, ब्रेथ दे रखी है 4 मीटर एंड जो हाइट दे रखी है दिस इज़ 3 मीटर। तो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दे रखी है, तो इस रूम की आपको बता रखा है। देखिए, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों अलग अलग है, तो यहाँ से समझ में आ रहा है आपके पास जो डायग्राम है ये क्यूबॉइड की बनेगी, क्यूब नहीं है, क्योंकि क्यूब की सारी साइड्स इक्वल होती हैं और क्यूबॉइड की सारी साइड्स अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ये है, ठीक है। तो लेंथ होगी आपकी 5 मीटर और ये जो ब्रेथ होगी दिस इज़ द ब्रेथ, ये ब्रेथ हो जाएगी 4 मीटर एंड दिस इज़ द हाइट, ये हाइट हो जाएगी 3 मीटर। तो ये इसकी ना जो छत है ये नहीं है, ऊपर वाला हिस्सा नहीं है, इसकी 5 वॉल्स को आपने पेंट करना है। और आपको गिवन क्या है कि अगर आप 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करते हैं तो आपको 7.50 रुपीज़ चार्ज देना होता है, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर के इतने चार्जेस हैं, तो इतनी कॉस्ट है। तो आपको अगर 5 वॉल्स मतलब 4 दीवारें और एक नीचे वाला बेस ये ग्राउंड इसको पेंट करते हैं तो क्या इसकी कॉस्ट रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका। सबसे पहले एरिया ऑफ 5 वॉल, तो 5 वॉल्स का एरिया निकलेगा इसके अंदर। तो 5 वॉल्स का जो एरिया है उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, दिस इज 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये फॉर्मूला होगा 4 वॉल्स के लिए, तो इसमें ऐड ऑन कर देंगे 5th वॉल, सो दिस इज़ द 5th वॉल। ये 4 दीवारें और ये 5वीं दीवार, ठीक है, जो इसके 5वीं कौन सी है, ये जो बेस में रहेगा, ठीक है इसका, ओके। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं, 2 लेंथ कितनी दे रखी है, लेंथ इज योर 5 मीटर, ब्रेथ इज 4, 5 प्लस 4 इंटू हाइट, हाइट इज 3 प्लस 5 इंटू 4, तो ये हो जाएगा, ओके। इसको सॉल्व करते हैं, 5 प्लस 4 इज 9, 9 इंटू 2 इज 18, 18 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 4 इज 20। तो कैलकुलेशन ध्यान रखना है, 3 को पहले 20 में प्लस नहीं करेंगे, पहले बॉड मास के अकॉर्डिंग मल्टीप्लिकेशन होता है, तो ये फैक्टर पहले सॉल्व होगा। 18 इंटू 3 दिस इज 54 प्लस एंड दिस इज 20, सो टोटल आंसर इज एड ऑन करने पे 74 मीटर स्क्वायर। तो इतना हमारे पास टोटल एरिया आ रहा है निकल के, दिस इज़ द टोटल एरिया ऑफ 5 वॉल्स। तो 5 दीवारों का, 4 ये वाली दीवार है और नीचे एक बेस। अब कॉस्ट निकालिए, कॉस्ट फॉर पेंटिंग 5 वॉल, तो 5 वॉल्स को पेंट करने की क्या कॉस्ट रही। तो आंसर है, एरिया कितना है 5 वॉल्स का, तो आंसर है 74। और 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने में कितना कॉस्ट आ रहा है, तो आंसर है 7.50। तो ये टोटल एरिया, ये कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वी विल गेट द आंसर 555। तो 555 इतने रुपीज़ जो है आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर फॉर पेंटिंग 5 वॉल्स।